अलमैकम दोस्तों हवाई ओ एन यू जो कि के कस्टमर केयर पे लगता है उसको मोबाइल के ज़रिए से आप उसका पासवर्ड या यूज़र नेम चेंज करना चाहते हैं तो वो किस तरह से किया जाता है ये वीडियो उसके लिए है सबसे पहले हमने अपने मोबाइल फ़ोन में वाईफाई के ऑप्शन पे जाना है और वहाँ पे चेक करना है कि जो आपने ओ एन यू जिसका अपने पासवर्ड चेंज करना है जो आपके घर पर डिवाइस लगी हुई है उस डिवाइस को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हैं आपने मेक श्योर sure करना है कि आपका मोबाइल आपके ओ एन यू के साथ कनेक्टेड हो जैसा कि अब मेरे पास यहाँ पे जो डिवाइस शो हो रही है जिसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ जिसका नाम या पासवर्ड चेंज करना चाह रहा हूँ वायरलेस नेट के नेम से यहाँ पे शो हो रही है इसे मैंने सेलेक्ट किया जैसे सिलेक्ट किया ये कनेक्ट हो गई जैसे ये कनेक्टेड हो जाए चाहे इस पर इंटरनेट चल रहा हो या ना चल रहा हो सिर्फ वाई सिग्नल्स आपके मोबाइल के साथ कनेक्टेड होना ज़रूरी है जैसे ये कनेक्टेड हो जाते हैं तो आपने क्या करना है जी कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करना है उस ब्राउज़र ओपन करने के बाद टॉप पर जो है आपने इसका आईपी देना है जो पाकिस्तान में इस वक्त हवावे के राउटर आ रहे हैं विद वाईफाई उसमें ये लगता है वन नाइन टू डॉट वन सिक्स एट डॉट वन डबल ज़ीरो डॉट वन ये इसका हवावे का आईपी है इसे आप यहाँ पे लिखने के बाद जैसे इंटर करते हैं तो ये आपके सामने डिस्प्ले आ जाता है जिसके ऊपर जो आपके हवावे का मॉडल है वो मॉडल नंबर सामने लिखा होता है और उसके नीचे दो खाने होते हैं एक अकाउंट का और एक पासवर्ड का वैसे तो हवावे के पासवर्ड और यूज़र नेम दो हैं एक टेलीकॉम वाला भी है मगर क्योंकि सिर्फ पासवर्ड चेंज करना है और ये कस्टमर के लिए वीडियो है क्योंकि उसने अपने घर पर ख़ुद से इसको पासवर्ड को चेंज करना होता है तो इसलिए सिर्फ ये वाला पासवर्ड ही इस्तेमाल कर लें जिसमें कोई दिक्कत नहीं है आर डबल ओ टी छोटे अल्फ़ाबेट में रूट पासवर्ड में आप लिखेंगे एडमिन ए डी एम आई एन छोटे अल्फाबेट में जैसे आप ये लिखते हैं और इसे इंटर करते हैं तो ये वाला डिस्प्ले आपके सामने आ जाता है इस डिस्प्ले में आपने कहीं और किसी भी ऑप्शन को क्लिक नहीं करना आपने सिर्फ W लैन पर जाके क्लिक करना है ये ऊपर आप देख रहे हैं स्टेटस वैन लैन आई पी वी सिक्स और ये डब्ली लैन डब्ल्यू लैन पर जैसे क्लिक करते हैं सबसे पहले ऊपर आपका नाम आ जाता है जो आपकी डिवाइस का नेम होता है एस एस आई डी नेम जहाँ पर लिखा है यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं मैं यहाँ पर नाम रख देता हूँ फ़र्ज के नेम के नाम से मैंने इसे रख दिया ये नीचे जो है अथेंटिकेशन मोड ये ओपन है जैसे मैंने ओपन पे क्लिक किया तो ये आगे ऑप्शन खुल जाते हैं इसमें आपने सेलेक्ट करना है डब्ल्यू पी ए स्लैश डब्ल्यू पी ए टू प्रीशेड की जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं तो नीचे पासवर्ड शो हो जाता है ऑलरेडी अगर आपने पासवर्ड सिर्फ चेंज करना है तो ये पहले से ये बार खुला होगा इसको खोलने की जरूरत नहीं है और नीचे सिर्फ पासवर्ड को देखेंगे जहाँ पे आठ दफा ई लिखा हुआ है छोटा ये यहाँ पे आपका पहले वाला पासवर्ड होगा जो भी लिखा होगा उसको आपने रिमूव करके अपना नया पासवर्ड लगाना है नया पासवर्ड मैंने यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट लगा दिया और सिंपल नीचे अप्लाई का बटन जो है वो दबा दिया जैसे अप्लाई का बटन दबाते हैं तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमने पासवर्ड और यूज़र नेम चेंज कर लिया अब हम क्या करेंगे अपने वाईफाई सेटिंग में दोबारा से जाएंगे वहाँ पर जाके हम देखेंगे कि हमने जो नेम रखा था वो डिस्प्ले हो रहा है या नहीं तो ये ये सामने नेम लिखा हुआ है ये हमने जो भी रखा था ये हमारी डिवाइस का नाम है जैसे हम उसे सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर वो पासवर्ड मांगेगा वो वाला जो हमने नया रखा था वो हम पासवर्ड दोबारा से इंटर करेंगे जैसे हम वो सॉरी ये फोर फाइव है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट जैसे हमने उसको लिखा और नीचे कनेक्ट पर क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करेंगे तो हमारी ये डिवाइस जो है वो हमारे मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाएगी तो ये है इसका तरीका कार पासवर्ड को चेंज करने का अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मैसेज में पूछ लें तो मेरा ख्याल है कि बड़ी आसानी से ये आप कर सकते हैं तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया हुआ तो ताकि आपको मज़ीद भी इस तरह की वीडियोज़ मिल सकें बहुत शुक्रिया आपका हाफिज़